Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic about eicosanoid metabolism. Learning objectives, introduction to the eicosanoids, classification of eicosanoids, eicosanoid biosynthesis, synthesis of prostaglandins and thromboxanes, arachidonic acid, synthesis of PGH2, biological effects of eicosanoids. These are the some headings which we will cover in today's topic. First of all, we will read about eicosanoids. Prostaglandins are and related compounds are collectively known as eicosanoids. Produced from arachidonic acid, yani prostaglandins aur uske jo related compounds hain, theek hai, unko hum collectively eicosanoids bolte hain. Related compounds kaun se hain? प्रोस्टाग्लैंडिंस कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं आके, ठीक है. प्रोस्टाग्लैंडिंस और उसके रिलेटेड कंपाउंड को कलेक्टिवली इकोसिनाइड्स का नाम देते हैं. प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एरेक्टोनिक एसिड एंड आर 20 कार्बन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. प्रोस्टाग्लैंडिंस और इकोसिनाइड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एरेक्टोनिक एसिड और सिमिलर टाइप ऑफ, अपने जो माइक हैं उनको म्यूट रखें, सिमिलर टाइप ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है. 20 कार्बन एटम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जो कि इकोसिनाइड्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए यूज होते हैं. द इकोसिनाइड्स आर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एंड आर कंसीडर्ड लोकल हार्मोन्स. दे हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन टारगेट सेल्स क्लोज टू देयर साइट ऑफ फॉर्मेशन. जो इकोसिनाइड्स हैं वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और उनको लोकल हार्मोन्स भी कंसिडर किया जाता है. क्यों? बिकॉज दे हैव इफेक्ट, स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन द टारगेट सेल्स क्लोज टू देयर साइट ऑफ फॉर्मेशन. द साइट वेयर दे विल प्रोड्यूस, दे विल एक्ट नियर टू दोज सेल्स, ठीक है. फॉर एग्जांपल, जिस सेल से ये प्रोड्यूस होंगे उसके साथ जो सेल्स पड़े होंगे उनके ऊपर या उसी सेल के ऊपर ये इफेक्ट करेंगे और अपने इफेक्ट्स को शो करेंगे. उसी सेल के ऊपर ये जाके एक्ट करेंगे और अपने इफेक्ट्स जो हैं वो शो करेंगे. ये एक्ट करते हैं एज अ लोकल हार्मोन. They are rapidly degraded, so they are not transported to distal sites within the body. Formation के बाद ये अपना काम करेंगे, काम जो भी इनका इफेक्ट होगा वो उसको शो करेंगे. शो करने के बाद ये रैपिडली मेटाबलाइज हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, और बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स हैं यानी कि जिस जगह पे प्रोड्यूस हुए हैं उसके साथ वाले या उन्हीं सेल्स के ऊपर इन्होंने अपना काम किया, काम करने के बाद ये डिग्रेड हो गए, ठीक है. इनकी मेटाबोलिज्म होगी, इनकी तोड़ फोड़ होगी, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया और वहाँ से ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स में नहीं जाएंगे, ताकि उस जगह पे बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जाकर ये अपने इफेक्ट्स को शो नहीं करें. बट इन एडिशन टू पार्टिसिपेटिंग इन इंटर सेलुलर सिग्नलिंग, यानि कि इंटर सेलुलर का मतलब होता है बिटवीन द टू सेल्स, ठीक है, दो सेल्स के दरमियान सिग्नलिंग के अलावा, देयर इज एविडेंस फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ इकोसेनाइड्स इन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कैस्केड, ठीक है. इसके अलावा इसका इंट्रासेलुलर यानी कि विद इन द सेल, यानी कि जिस सेल से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी सेल के अंदर ये सिग्नलिंग का काम भी करते हैं, उसी सेल के अंदर ये सिग्नलिंग पाथवे का काम भी करते हैं, यानी कि साथ वाले सेल के सेल को भी सिग्नल पहुंचाते हैं. उसके अलावा ये जिस सेल में प्रोड्यूस हो रहे हैं उस सेल के अंदर भी कुछ चेंजिंग लेके आते हैं. इज दैट क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिनाइड्स. दो पाथवेज हैं जिनकी मदद से इकोसिनाइड्स आगे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है. इकोसिनाइड्स की जो सब टाइप्स हैं, एक साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे, एक लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे. लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे जो हमने पढ़ा था कि प्रोस्टाग्लैंडिंस एंड रिलेटेड कंपाउंड, दिस वन दीज आर द रिलेटेड कंपाउंड, ल्यूकोट्राइन्स एंड लाइपोक्सिन्स, ठीक है. उसके अलावा साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे से कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी? प्रोस्टिनॉइड्स, जिनको जो आगे कन्वर्ट होंगे या तो प्रोस्टाग्लैंडिंस में कन्वर्ट होंगे या प्रोस्टासाइक्लिंस में या थ्रम्बोक्सिन्स में, ठीक है. दिस ऑल आर कलेक्टिवली कॉल्ड इकोसिनॉइड्स. इज दैट क्लियर? यस सर. यस सर. लाइपोक्सीजनेज पाथवे से क्या चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, साइक्लोक्सीजनेज पाथवे से क्या चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है. आप देखते हैं इकोसिनाइड्स की बायोसिंथेसिस, ये वाली जो चीज़ें हैं ये किस तरह प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना.
प्रोस्टाग्लैंडिंस किस तरह प्रोड्यूस होंगे, प्रोस्टासाइक्लिन्स किस तरह प्रोड्यूस होंगे, प्रोस्टा थ्रोम्बोक्सिन किस तरह प्रोड्यूस होंगे, उसके बाद लिकोट्राइन्स एंड लाइपोक्सिन्स. मेन साइट ऑफ एकोसिनाइड बायोसिंथेसिस एंडोथेलियल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स एंड किडनीज. साइट ऑफ सिंथेसिस इनकी बता दी गई कि एंडोथेलियल सेल्स. एंडोथेलियल सेल्स आर दोज सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. ठीक है, कौन सी मेम्ब्रेन? ब्लड वेसल्स की जो सबसे इंटरनल लेयर होती है ना, उसको एंडोथेलियल लेयर बोलते हैं. और एंडोथेलियल लेयर के जो सेल्स होते हैं उनको एंडोथेलियल सेल्स बोलते हैं. ठीक है, इंटरनल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एंडोथेलियल मेम्ब्रेन. ठीक है, एंड द सेल्स प्रेजेंट इन द एंडोथेलियल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोथेलियल सेल्स. दीज आर द साइट फॉर एकोसिनाइड बायोसिंथेसिस. इसके अलावा ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स. व्हाइट ब्लड सेल्स आर द साइट फॉर एकोसिनाइड सिंथेसिस. प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के जो वॉल होगी वहाँ से एरेक्टोनिक एसिड की मेटाबोलिज्म होगी, और एरेक्टोनिक एसिड से आके एकोसिनाइड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे. उसके अलावा किडनी के सेल्स से एकोसिनाइड्स की प्रोडक्शन होगी. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नो सर. उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. शो द इफेक्ट्स नियर द साइट ऑफ सिंथेसिस. एकोसिनाइड्स विल शो देयर इफेक्ट्स एट और नियर द साइट ऑफ सिंथेसिस, यानी कि जिस जगह पे ये प्रोड्यूस हो रहे हैं उस जगह पे या उस जगह के इर्द गिर्द ही अपने इफेक्ट्स को शो करेंगे. ठीक है, क्यों शो करेंगे? क्योंकि इनकी जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि अपनी प्रोडक्शन के थोड़े ही टाइम के अंदर अंदर ये दोबारा डिग्रेड हो जाते हैं. तो अपने जो नियर अबाउट एरिया होगा उसके ऊपर ये एक्ट करेंगे और अपने इफेक्ट्स को शो करेंगे. और नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, ये वाले जो एकोसिनाइड्स हैं, ठीक है, ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते. ये रेडिली फॉर्मेशन होती है इनकी फ्रॉम एरेक्टोनिक एसिड. ठीक है, और फॉर्मेशन के बाद ये अपना काम करेंगे, काम करने के बाद ये डिग्रेड हो जाएंगे. ये नहीं है कि इनको बना के कहीं पे स्टोर किया जाता है. इज दैट क्लियर? हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन एंड आर डिस्ट्रॉयड विद इन सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स. ठीक है, इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होगा. दे हैव वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन. ठीक है, एंड विल बी डिस्ट्रॉय विद इन सेकेंड और फ्यू मिनट्स आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एकोसिनाइड. ठीक है, अपनी प्रोडक्शन के विद इन सेकेंड और फ्यू मिनट्स के अंदर अंदर इनकी डिग्रेडेशन हो जानी है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. ठीक है, और उस टाइम के अंदर अंदर ये क्या करेंगे, जो भी इनका फंक्शन होगा उसको परफॉर्म कर देंगे. प्रोडक्शन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू डाइवर्स स्टिमुलाई और ड्रग्स. द प्रोडक्शन ऑफ एकोसिनाइड विल बी इंक्रीज और डिक्रीज. इट विल डिपेंड अपॉन द स्टिमुलाई और यानी कि ये डिपेंड करेगा कि स्टिमुलस के ऊपर, जो भी स्टिमुलस होगा, चाहे वो ड्रग हो, चाहे वो कोई एलर्जन हो, ठीक है, चाहे वो कोई इंजरी हो, जो भी ट्रॉमा हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसने इसको, इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है, इसकी प्रोडक्शन करवाई है, वो डिपेंड करेगा कि वो स्टिमुलाई कितना है. अगर कम स्टिमुलाई है तो इसकी कम प्रोडक्शन होगी, अगर ज़्यादा स्टिमुलाई है तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी. इज दैट क्लियर? यस सर. और वेरी पोटेंट इन एक्शन, यानी कि इनका जो एक्शन होता है बहुत पोटेंट होता है, स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है इनका. उसके बाद द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिंस एंड थ्रोम्बोक्सिन. द डायट्री प्रिकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इज द एसेंशियल फैटी एसिड लाइनोलिक एसिड. जो इनका प्रिकर्सर है, डायट्री प्रिकर्सर, उसको लाइनोलिक एसिड बोलते हैं, विच इज एन ओमेगा 6 फैटी एसिड. ठीक है, ये एक ओमेगा 6 फैटी एसिड है. ओमेगा 6 फैटी एसिड क्या होता है कि ये एक फैटी एसिड की फैमिली है, आर फैमिली ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स दैट हैव अ कॉमन फाइनल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. यानी कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है इन द एन 6 पोजिशन, यानी कि कार्बन नंबर 6 के ऊपर एक कार्बन नंबर 6 के दरमियान एक डबल बॉन्ड होगा, दैट इज सिक्स्थ डबल बॉन्ड. ठीक है, उसको सिक्स्थ डबल बॉन्ड भी बोलते हैं. काउंटिंग फ्रॉम द मिथाइल एंड, जब हम उसको मिथाइल एंड वाली साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो सिक्स्थ कार्बन एटम के ऊपर एक डबल बॉन्ड मिलेगा, तो उस मुनासबत से इसका नाम ओमेगा 6 फैटी एसिड है. इसी तरह एक और क्लास होती है जिसको ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बोलते हैं. उसमें क्या होता है कि मिथाइल एंड से अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें तो थर्ड कार्बन के ऊपर एक डबल बॉन्ड होगा, जिसकी वजह से उसे ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलते हैं. इज दैट क्लियर? ओमेगा 6 क्या चीज़ है? अच्छा, इट इज
desaturated and elongated to arachidonic acid. Is linoleic acid को क्या किया जाता है, desaturate किया जाता है and elongate to arachidonic acid. इसको arachidonic acid के अंदर convert किया जाएगा, which is also an omega 6 fatty acid. ये जो arachidonic acid है ये भी omega 6 fatty acid है, the immediate precursor of the predominant class of prostaglandins. इस चीज से arachidonic acid से आगे क्या चीज बनेगी, प्रोस्टाग्लैंडिंस बनना स्टार्ट होंगे. ठीक है, ये प्रोस्टाग्लैंडिंस का प्रिकर्सर है, प्रोस्टाग्लैंडिन का अभाव इधर है, इससे आगे प्रोस्टाग्लैंडिंस की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी. रेक्टोनिक एसिड इनकॉर्पोरेटेड इनटू मेम्ब्रेन बाउंड फॉस्फोलिपिड्स. ये मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनके साथ ये इनकॉर्पोरेट होता है, उसके साथ ये बाउंड होता है. इट इज रिलीज्ड बाय फॉस्फोलाइपेज ए2 इन रिस्पॉन्स टू अ वैरायटी ऑफ सिग्नल्स. जब ये कैसे रिलीज होगा, ठीक है, इससे आगे प्रोस्टाग्लैंडिंस कब बनेंगे, जब फास्फोलाइपेज ए2 आएगा. ठीक है, और फास्फोलाइपेज ए2 क्या करेगा, इसका फास्फोलिपिड से इसका बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करेगा और वहां से इससे क्या बनवाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिंस की प्रोडक्शन करवाएगा. कब करवाएगा, जब उसको सिग्नल मिलेगा. ठीक है, वो किसी भी सूरत में हो सकता है, किसी ड्रग की सूरत में, किसी इंजरी की सूरत में, किसी ट्रामा की सूरत में. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर. Synthesis of PGH2, prostaglandin H2. ठीक है, prostaglandin H2 की synthesis के बारे में भी हम देखने लेंगे. The first step in the production, the first step in prostaglandin synthesis is oxidative cyclization. जी जी. सर मैं actually out of city हूँ. सर यहाँ पे connection का बहुत problem है. तो सर please. भाई जो भी है अपनी problem वो mail में बताएं. ठीक है, class को disturb नहीं करें. The first step in prostaglandin synthesis is the oxidative cyclization of free arachidonic acid. Oxidative cyclization ka kya matlab hota hai ki transformation from acyclic precursor to cyclized product. Theek hai, usko cyclized product ke andar change karna of free arachidonic acid, yani ki free arachidonic acid ko cyclized product ke andar change karna to yield PGH2 prostaglandin H2 ki production ke liye by prostaglandin endoperoxidase synthase, yani ki is enzyme ki madad se endoperoxidase synthase और PGH synthase, prostaglandin H synthase की help से जो arachidonic acid है उसको oxidative cyclization की मदद से free arachidonic acid को prostaglandin H2 के अंदर convert करना. ठीक है, उसके लिए जो enzyme चाहिए या तो PGH synthase, ठीक है, या endoperoxide synthase, दोनों एक ही चीज़ है. ठीक है, दोनों enzyme. तो आप लोगों ने इन दोनों में दोनों के नाम आप लोगों को आने चाहिए. आपको इसका नाम लेके पूछा जा सकता है या इसका नाम लेके पूछा जा सकता है. तो आपको पता होना चाहिए कि एंडोपरोक्सीडेज और एंडोपरोक्साइड सिंथेज और पीजीएच सिंथेज, प्रोस्टाग्लैंडिन एच सिंथेज जो है दोनों एक ही चीज है. इज दैट क्लियर? यस सर. This enzyme is an endoplasmic reticular membrane bound protein. Rough endoplasmic reticulum का पता है ना, वो रफ क्यों होता है कि उसके सरफेस के ऊपर प्रोटीन्स बाउंड होते हैं. और इसमें क्या है कि ये वाला जो एंजाइम है पीजीएच सिंथेज, ये किस जगह पे आपको मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है. ठीक है, और वहां से ये अपना इफेक्ट शो करेगा, वहां से ये पीजीएच2 की सिंथेसिस करवाएगा. प्रोस्टाग्लैंडिन एच सिंथेज, अब प्रोस्टाग्लैंडिन एच सिंथेज के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन है. मल्टी एंजाइम कम्प्लेक्स, ये इसके मल्टी एंजाइम कम्प्लेक्स है, ये कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन एच सिंथेज. Prostaglandin H synthase has two component. इसके दो component हैं, cyclooxygenase system and peroxidase system. Fatty acid cyclooxygenase जिसको COX भी बोलते हैं. ठीक है, COX की आगे दो types आएंगी, COX 1 and COX 2. First of all आप देख लें कि क्या चीज़ क्या है. Fatty acid cyclooxygenase which requires two molecules of oxygen, इसको दो oxygen molecules की ज़रूरत होती है. This system forms the first unstable cyclic एंडोपरऑक्साइड PGG2, यानी कि ये वाला जो सिस्टम होगा सबसे पहले एक अनस्टेबल साइक्लिक एंडोपरऑक्साइड PG प्रोस्टाग्लैंडिन G2 बनाएगा. ठीक है, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम जो है ये क्या करवाएगा, फर्स्ट अनस्टेबल साइक्लिक एंडोपरऑक्साइड PGH2 प्रोस्टाग्लैंडिन G2 बनाएगा. ठीक है, वहां से क्या होगा, परऑक्सीडेज व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन, ये वाला जो सिस्टम है ये डिपेंड करता है रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन के ऊपर. ठीक है, इट विल कन्वर्ट PGG2 इज कन्वर्टेड टू
into PGH2 by peroxidase enzyme of peroxidase component of PGH system. Cyclooxygenase ने क्या किया है कि एक साइक्लिक अनस्टेबल साइक्लिक एंडोपरोक्साइड प्रोस्टाग्लैंडिन G2 की प्रोडक्शन करवाई है, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन G2 की प्रोडक्शन करवा के इसका काम खत्म हुआ। उसके बाद ये सेकंड जो इसकी डोमेन है परऑक्सीडेज सिस्टम, इसने क्या किया है PGG2 प्रोस्टाग्लैंडिन G2 को इसने कन्वर्ट करवाया प्रोस्टाग्लैंडिन H2 के अंदर, ठीक है, बाय द परऑक्सीडेज एंजाइम ऑफ परऑक्सीडेज कंपोनेंट ऑफ PGH सिस्टम। PGH2 इज कन्वर्टेड टू अ वैरायटी ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिंस एंड थ्रोम्बोक्सिंस, ठीक है, जो PGH2 है इसको आगे कन्वर्ट किया जा सकता है वैरायटी ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिंस और थ्रोम्बोक्सिन के अंदर। प्रोस्टाग्लैंडिंस क्या चीज़ है, थ्रोम्बोक्सिन क्या चीज़ है, इसकी डिटेल हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो बता दें कि PGH2 की प्रोडक्शन किस तरह हुई है। नो सर। क्लियर है? नो सर। ऑक्सीडेशन साइक्लाइजेशन ऑफ रेक्टोनिक एसिड, अच्छा ये वही है, सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2। अब थ्रोम्बोक्सिन A2 यहाँ पे जो हमने PGH2 की सिंथेसिस करवाई है वहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिंस की प्रोडक्शन हो रही है और थ्रोम्बोक्सिन की प्रोडक्शन हो रही है। आप देखते हैं थ्रोम्बोक्सिन का आगे सब टाइप होती है थ्रोम्बोक्सिन A2। सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2, थ्रोम्बोक्सिन A2 इज प्रोड्यूस्ड बाय COX-1। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके आगे मजीद दो टाइप हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेज या कॉक्स की, ठीक है, इसके आगे COX-1 है और COX-2 है। COX-1 जो है वो क्या करवाएगा, इज प्रोड्यूस्ड बाय COX-1 इन एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है इसको प्रोड्यूस करवाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, COX-1 साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 इन एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, यानी कि जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं वहाँ से COX-1 जो होगा वो थ्रोम्बोक्सिन A2 को रिलीज करवाएगा एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, ठीक है। इट प्रमोट्स एडहेरेंस एंड एग्रीगेशन ऑफ सर्कुलेटिंग प्लेटलेट्स, ये काम क्या करवाएगा कि जो सर्कुलेशन में जो प्लेटलेट्स घूम फिर रही होती हैं उनको एडहायर करवाएगा, यानी कि उनको मेम्ब्रेन के साथ एडहेयर करवा के उनकी एग्रीगेशन उनको एक दूसरे के ऊपर जमा करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ऑफ सर्कुलेटिंग प्लेटलेट्स एंड कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, और उसके अलावा उस एरिया की जो वेसल होगी उसके स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। जब उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा तो उस एरिया का जो ब्लड फ्लो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करवाने से जो वेसल का ल्यूमन है वो कम हुआ, ल्यूमन कम होने की वजह से उस जगह की ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। एंड कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेस्कुलर स्मूथ मसल दस प्रमोटिंग फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, और इससे क्या होगा ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। जिस वक्त जो ब्लड वेसल इंजरी होगी, ब्लड वेसल इंजरी होने से क्या होगा प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगी, एक्टिवेटेड प्लेटलेट से आगे थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज होगा। थ्रोम्बोक्सिन A2 ने क्या करवाना है, थ्रोम्बोक्सिन A2 पहले रिलीज किस वजह से हो रहा है, कौन सी चीज़ है उसे उसकी फॉर्मेशन करवा रही है, COX-1, ठीक है। अब जो COX-1 की वजह से थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज हुआ है उसने दूसरी प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करवा के उनकी एडहेरेंस और एग्रीगेशन करवानी है, ठीक है, एडहेरेंस और एग्रीगेशन की वजह से क्लॉट फॉर्मेशन होगा। क्लॉट फॉर्मेशन को आगे मजीद प्रमोट करवाने के लिए वो उस एरिया की ब्लड सप्लाई को डिक्रीज करेगा, ताकि अगर तो उस जगह पे ज़्यादा ब्लड आएगा तो ज़्यादा प्रेशर की वजह से ब्लीडिंग यानी कि नहीं रुकेगी, ठीक है, तो उस वजह से उस एरिया की ब्लड सप्लाई को कम करवाने के लिए वो वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड फ्लो कम होगा और थ्रम्बस जो होगा वो इजिली उस जगह पे क्लॉट जो होगा वो इजिली बन जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. उसके बाद है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टासाइक्लिन PGI2, ठीक है, PGI2 इज आल्सो कॉल्ड प्रोस्टासाइक्लिन COX-2 इन वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। जिस टाइम पे ये क्लॉट फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है उस टाइम पे ब्लड वेसल के जो सेल्स होते हैं एंडोथेलियल सेल्स वहां पे COX-2 जो होगा वो एक्टिवेट होके PGI2 की प्रोडक्शन स्टार्ट करवा दे, प्रोस्टासाइक्लिन की प्रोडक्शन स्टार्ट करवा देता है, ठीक है, वास्कुलर एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर एक्ट करके वहां से प्रोस्टासाइक्लिन की प्रोडक्शन करवाएगा। इट विल इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, यानी कि यहां पे क्लॉट फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है, अब उसको मजीद आगे यानी कि एग्रावेट यानी कि क्लॉट बड़ा होने से बचाने के लिए, यानी कि जितना क्लॉट चाहिए था उतना बन गया, उसके बाद क्या है उस प्लेटलेट्स की जो एग्रीगेशन है ताकि वहाँ पे और मजीद प्लेटलेट्स ना आके जुड़े, इट विल इनहिबिट जो प्रोस्टासाइक्लिन है PGI2
इट विल इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड स्टिमुलेट्स वैसोडाइलेशन. एक तो ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन को अब इनहिबिट करेगा, उसके अलावा जो वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हुई थी थ्रम्बोक्सिन ए टू की वजह से उसको अब ये डायलेट करेगा. ठीक है, डायलेशन की वजह से वहाँ पे एक तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, दूसरे नंबर पे वहाँ के जो प्लेटलेट हैं उनकी एग्रीगेशन को इनहिबिट कर देगा एंड सो इम्पेयर्ड थ्रम्बोजेनेसिस. इससे क्या होगा, ये थ्रम्बोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा. ठीक है, मजीद वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा. इज दैट क्लियर? यस सर. समझ आ गई है? यस यस. सिंथेसिस ऑफ पीजीएफ2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन एफ2 अल्फा, इसकी सिंथेसिस अब कैसे होगी? प्रोड्यूस्ड बाय मोस्ट टिश्यू. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज जो हैं वो पीजीएफ2 प्रोस्टाग्लैंडिन एफ2 अल्फा जो है उसको प्रोड्यूस करवाते हैं. इट विल कॉज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन. ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि स्मूथ मसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल यानी कि आपको पहले नंबर पे तो पता होना चाहिए कि स्मूथ मसल किस किस जगह पे आपको मिल सकते हैं. ठीक है, जिस जिस जगह पे स्मूथ मसल्स होंगे उस जगह पे अगर पी जी एफ टू अल्फा उस जगह पे प्रोड्यूस हो रहा है तो उस जगह के मसल्स की ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जिस जगह पे ये प्रोड्यूस होते हैं उसके नियर बाय सेल्स के ऊपर ही ये काम करेंगे. ये नहीं होगा कि ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर चले जाएँ, या सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया के जो नियर बाय सेल्स होंगे उनके ऊपर काम करेंगे. तो जिस जगह पे ये प्रोड्यूस होंगे उस जगह के जो स्मूथ मसल्स होंगे उनकी कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे. अगर वेसल के नज़दीक प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वेसल्स की स्मूथ मसल्स की वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे. अगर यूट्रस के नज़दीक प्रोड्यूस हो रहे हैं तो यूट्राइन स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे. ठीक है, स्टिमुलेट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. उसके बाद है सिंथेसिस ऑफ पी जी ई टू, प्रोस्टाग्लैंडिन ई टू. ठीक है, अब हमने इधर प्रोस्टाग्लैंडिन एफ टू अल्फा की बात की, अब करते हैं पी जी ई टू प्रोस्टाग्लैंडिन ई टू की. Produced by most tissues, especially kidney. Kidney से produce होता है. It will cause vasodilation. Vasodilation करके ये क्या करवाएगा? Kidney का जो perfusion है उसको increase करवाएगा. Relaxes smooth muscles. Vasodilation. जी सर. Vasodilation की वजह से क्या होगा? Kidney के smooth muscles को relax करेगा. Vasodilation होगी. Vasodilation की वजह से जो kidney की perfusion होगी वो increase हो जाएगी. ठीक है, kidney की तरफ जो blood flow होगा वो increase हो जाएगा. Used to induce labor. और इसको लेबर के दरमियान लेबर इंड्यूस करने के लिए यानी कि डिलीवरी के दरमियान लेबर इंड्यूस करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन ई टू. इज दैट क्लियर? यस सर. यस सर. पीजीएफ2 अल्फा ये भी स्टिमुलेट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. और दूसरे नंबर पे आपको ये दूसरी चीज मिली है जो लेबर में यूज होगी, पीजीई2. उसके बाद है इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस. अब प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट किस तरह किया जा सकता है? अब तक हमने उनके प्रोडक्शन को देखा है, सिंथेसिस उनकी कैसे की जाती है, अब उनकी सिंथेसिस को इनहिबिट किस तरह करना है. कोर्टिसोल एक स्टीरॉयड हार्मोन है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है. ये इसको एक्सोजीनियसली यानी कि ये जो स्टीरॉयड इंजेक्शन हैं उसकी सूरत में भी हम इसको दे सकते हैं. कोर्टिसोल स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, ये एक स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है. इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करेगा. इनहिबिट फास्फोलाइपेज ए टू एक्टिविटी, ये क्या करवाएगा? फास्फोलाइपेज ए टू की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा. जब फास्फोलाइपेज ए टू की एक्टिविटी इनहिबिट होगी तो वहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज नहीं होंगे. जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज नहीं होंगे तो उसकी वजह से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लामेशन नहीं होगी. तो जो इसका काम था इज एन एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, तो इसने वही काम किया कि इसने इनकी रिलीज को रोका, तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन नहीं हुई, तो इसने इन्फ्लामेशन को रोक दिया. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये थे स्टीरॉयडल. अब इस सेकंड नंबर पे आते हैं नॉन स्टीरॉयडल. ये स्टीरॉयडल थे, अब है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट. नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट क्या करते हैं? इनहिबिट बोथ कॉक्स वन एंड कॉक्स टू. कॉक्स वन जो था वो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर रहा था, ठीक है, और उनकी एडहेरेंस और एक्टिवेशन एग्रीगेशन को इंक्रीज कर रहा था. कॉक्स टू जो था वो प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इनहिबिट कर रहा था और वेजो डायलेशन करवा रहा था. इसने क्या करना है? एनसिड्स ने इन दोनों को इनहिबिट कर देना है, कॉक्स वन को और कॉक्स टू को. कॉक्स वन ने क्या चीज़ प्रोड्यूस करवाई थी? थ्रम्बोक्सिन ए टू. और कॉक्स टू ने क्या चीज़ प्रोड्यूस करवाई थी? प्रोस्टाग्लैंडिन पी जी आई टू. इज दैट क्लियर? यस सर. सर, दोनों का एक्सटर्नली इंपैक्ट लिया जा सकता है? समझ नहीं आई. कोर्टिसोल का तो आपने बताया ना कि आप एक्सटर्नली इसको इंजेक्ट भी कर सकते हो. ये एनसिड जो है, ये पेनाडोल जो है ये एनसिड है, ठीक है, एस्प्रिन जो है ये एनसिड है. ये वाली जो
नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी, ब्रूफन जो है वो एनसिड है, ठीक है, नेप्रोक्सन जो है वो एनसिड है, डाइक्लोरान जो है वो एनसिड है, एनसिड ड्रग है, ठीक है। नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग जो है ये इन एंजाइम्स को इनहिबिट करती है। इज दैट क्लियर? सिंथेसिस ऑफ ल्यूकोट्राइन्स, अब हम उसकी जो सेकंड डोमेन थी प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक साइड पे थी, दूसरे साइड पे थे ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। अब हम ल्यूकोट्राइन्स को डिस्कस करने लगे। ये देखें, एक साइड एकोसानाइड के एक साइड पे क्या थे, प्रोस्टानॉइड्स, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स थे, प्रोस्टासाइक्लिन थे, थ्रोम्बोक्सिन ए टू था, ये वाला पोर्शन हमने कर लिया है। अब सेकेंड पोर्शन लाइपोक्सीजिनेज सिस्टम वाला आ गया, ठीक है, ल्यूकोट्राइन्स एंड लाइपोक्सिन्स। Synthesis of leukotrienes. Arachidonic acid is converted to a variety of linear hydroperoxy acid by a separate pathway involving a family of lipoxygenase. Is that clear? Yes, sir. इसमें क्या है? Arachidonic acid जो होगा वो convert होगा linear hydroxyperoxy acid by a separate pathway, जिसको हमने lipoxygenase pathway का नाम दिया, ठीक है। वहां से जो चीज प्रोड्यूस होगी उनको बोलते हैं leukotrienes, lipoxygenase pathway से, ठीक है। lipoxygenase convert arachidonic acid to 5-HPETE, ठीक है। इसने क्या करना है कि arachidonic acid को इस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। 5-HPETE क्या चीज है? 5-hydroxy किधर गया, ये इधर नीचे मैंने नाम लिखा हुआ है, 5-hydroxy इकोसा टेट्रोनिक एसिड, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट है जो इसने इसको लाइपोक्सीजिनेज एंजाइम की मदद से रेक्डोनिक एसिड को इस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। जो अब 5-HPETE 5-hydroxy इकोसा टेट्रोनिक एसिड है, इसको आगे किसमें कन्वर्ट कर, इज कन्वर्टेड टू अ सीरीज ऑफ ल्यूकोट्राइन, ये आगे कन्वर्ट होगा ल्यूकोट्राइन्स के अंदर जो कि इसकी फाइनल प्रोडक्ट है। द नेचर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट वेरिंग अकॉर्डिंग टू द टिश्यू, जो ल्यूकोट्राइन्स है ये डिपेंड करते हैं कि किस टिश्यूज के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी उसके मुनासबत से जो ल्यूकोट्राइन्स की आगे नेचर है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। ल्यूकोट्राइन्स आर मीडिएटर्स ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्स एंड इन्फ्लेमेशन, जो ल्यूकोट्राइन्स होते हैं ये एलर्जिक रिस्पॉन्स और इन्फ्लेमेशन काज करवा सकते हैं, ठीक है। तो एलर्जिक रिस्पॉन्स और इन्फ्लेमेशन के सामने आते हैं आप लोगों के माइंड में एक चीज आनी चाहिए, एस्थमा, ठीक है। तो एस्थमा का जो एक पैथोजेनेसिस है वो ये है कि ल्यूकोट्राइन्स जब मास्ट सेल जब एलर्जन से सेकंड टाइम किसी पेशेंट का एक्सपोजर होता है, ठीक है, तो एलर्जन जाके जब मास्ट सेल के ऊपर क्रॉस लिंकिंग करवाएगा एंटीबॉडीज की, तो उससे क्या होगा, मास्ट सेल जो है वो डीग्रेनलेट होंगे, तो उसकी वहां से फिर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होंगे, और ल्यूकोट्राइन्स में आगे हिस्टामिन्स हो सकते हैं, दूसरे ल्यूकोट्राइन्स हो सकते हैं, वो क्या करेंगे उस जगह पे, एक तो वैसोडाइलेशन करवाएंगे, ठीक है, उसके अलावा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे, जिससे क्या होगा पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, फ्लशिंग होगी, और पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आपके पास प्रेजेंट होगा LTA4, ल्यूकोट्राइन A4 की बात करते हैं, प्रोड्यूस्ड इन ल्यूकोसाइट्स, ये ल्यूकोसाइट्स WBCs के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होगा, प्लेटलेट्स, मास्ट सेल्स, ठीक है, प्लेटलेट्स के अंदर प्रोड्यूस हो सकता है, मास्ट सेल्स एंड हार्ट एंड लंग वस्कुलर टिश्यूज, इन एरियाज के अंदर ये LTA4 ल्यूकोट्राइन A4 प्रोड्यूस हो सकता है। इज दैट क्लियर? यस सर। उसके बाद है LTC4, ल्यूकोट्राइन C4, ल्यूकोट्राइन D4, ल्यूकोट्राइन E4, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल, इनके आगे फंक्शन दिए हुए हैं, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द स्मूथ मसल कॉजेज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकाई के जो स्मूथ मसल्स होंगे उनकी कॉन्स्ट्रिक्शन करवा सकता है, वेसल्स के जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी, उसके अलावा वेसल की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करवा के जो वेसल के अंदर फ्लूइड होगा उसको ओज आउट करवाएगा, यानी कि उसको वेसल से बाहर निकालेगा, कंपोनेंट ऑफ द स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस, ये जो तीन ल्यूकोट्राइन्स हैं ल्यूकोट्राइन C4, ल्यूकोट्राइन D4 और ल्यूकोट्राइन E4 जो हैं ये किस चीज़ के कंपोनेंट हैं,
स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन के जो स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस है ना, यानी कि जो देर कुछ देर बाद असर करते हैं, ये वो वाले सब्सटेंसेस हैं। एक एनाफिलैक्टिक रिएक्शन के वो कंपोनेंट होते हैं जो इमीडिएटली, यानी कि एलर्जन जिस्म के अंदर इंटर हुआ इमीडिएट इफेक्ट उन्होंने शो कर दिए। दूसरे होते हैं कि एलर्जन जाने के 2 या 3 घंटे बाद अपने इफेक्ट शो करते हैं, ये वाले स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेज हैं, ठीक है ना, जो लेट असर करते हैं। इन्वॉल्व्ड इन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एस्थमा, मैंने पहले भी एस्थमा के बारे में आपको बताया, ये एस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी में इन्वॉल्व्ड होते हैं। इज दैट क्लियर? कैसे एस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी में इन्वॉल्व हो रहे हैं? एस्थमा में हमारे जो एयरवेज है ना, वहां पे जब ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, ब्रोंकाई का जो ल्यूमन होगा वो नैरो होगा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, ठीक है। जब ब्रोंकाई का ल्यूमन नैरो होगा तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और पेशेंट क्या आएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो ब्लड वेसल्स होंगी वो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा कि उधर ब्लड का फ्लो भी कम हो जाएगा। इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी की वजह से जो स्किन होगी वो फ्लश्ड होगी, जो पेशेंट आएगा वो उसके ब्लड को यानी कि स्किन के ऊपर फ्लशिंग आपको नजर आएगी, रेडनेस नजर आएगी। कंपोनेंट ऑफ द स्लो रिएक्टिंग, यानी कि इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, मैंने पहले बताया कि एक तो स्लो रिएक्टिंग होता है और एक फास्ट रिएक्टिंग, यानी कि जो एक तो स्टार्ट में ही अपने इमीडिएट इफेक्ट शो करेगा और एक स्लोली कुछ घंटों बाद अपने इफेक्ट शो करेगा। ये वाले जो 3 ल्यूकोट्राइन्स बताए हुए C4, D4 और E4 जो हैं, ये स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेज हैं। उसके बाद है LTB4, ल्यूकोट्राइन B4, ल्यूकोट्राइन A4 के बारे में बात कर ली, C4, D4 और E4 के बारे में बात कर ली, अब ल्यूकोट्राइन B4 के बारे में। इंक्रीज्ड कीमोटैक्सिस ऑफ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, दिस ल्यूकोट्राइन विल कॉज कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस क्या है? एक केमिकल मैसेंजर होता है, एक केमिकल होता है, ठीक है, जो कि अट्रैक्ट करेगा पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, यानी कि जिसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जिस जगह से ये रिलीज हो रहा होगा, ये न्यूट्रोफिल्स को उस जगह पे अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रोफिल्स को उस जगह पे बुलाएगा, ठीक है। रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, और उसके अलावा जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं उनको रिलीज करवाएगा। एडिजन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, और वाइट ब्लड सेल की उस एरिया के अंदर एडिजन करवाएगा, उस जगह पे आके वाइट ब्लड सेल को उस जगह पे जुड़ने में हेल्प करेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। यानी कि जिस जगह पे कोई इन्फेक्शन चल रही होगी वहां से ये रिलीज होगा, ठीक है, वहां से रिलीज होकर ये WBCs को उस जगह पे बुलाएगा कि इस जगह पे प्रॉब्लम चल रही है। WBCs उस जगह पे आएंगे, उनको उस जगह पे एडहियर होने में हेल्प करेगा, ठीक है, वो उस जगह पे आके एडहियर होंगे। उसके अलावा जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होंगे उनको उनके ऊपर रिलीज करवाने में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ इकोसेनाइड्स। अब इकोसेनाइड्स की हम ओवरऑल बात करने लगे हैं, हमने साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे पढ़ लिया, उसके बाद लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे पढ़ लिया। साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे में प्रोस्टाग्लैंडिंस थे, ठीक है, प्रोस्टासाइक्लिंस थे, थ्रम्बोक्सिन था। उसके बाद जो लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे था उसमें ल्यूकोट्राइन्स थे, ल्यूकोट्राइन्स में ल्यूकोट्राइन A4 था, ल्यूकोट्राइन C4, D4 एंड E4, उसके अलावा ल्यूकोट्राइन B4 था, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर दिए। उसके बाद लास्ट में आता है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ इकोसेनाइड्स। इकोसेनाइड्स के बायोलॉजिकल इफेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? इन जनरल इकोसेनाइड मिटिगेट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नोटेबली एज इट इन्वॉल्व्स द जॉइंट। ये क्या करता है? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं नोटेबली एज इट इन्वॉल्व्स जॉइंट्स। क्या करेगा? ये जॉइंट्स को इन्वॉल्व करेगा इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्किन इन केस ऑफ सोरियासिस एंड आईज, ठीक है। यानी कि जिस वक्त ये रिलीज होंगे, अगर जॉइंट में रिलीज हो रहे हैं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस करवा सकते हैं, अगर स्किन में रिलीज हो रहे हैं तो सोरियासिस करवा सकते हैं, ठीक है, आई में कंजक्टिवाइटिस का करवा सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ पेन एंड फीवर, जिस जगह पे रिलीज होंगे उस जगह पे ये पेन काज करवा सकते हैं, ठीक है, और इनकी वजह से फीवर हो सकता है पेशेंट को प्रोस्टाग्लैंडिंस की वजह से, ठीक है। उसके बाद क्या है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। जिस तरह आप लोगों को मैंने पहले बताया कि ये वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं, ठीक है, वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन या वैजो डायलेशन करवा सकते हैं। स्मूथ मसल जो ब्लड वेसल के अंदर मौजूद हैं, अगर उनकी वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। अगर स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन करवाएंगे तो वैजो डायलेशन हो जाएगी, वैजो डायलेशन होगी तो ब्लड प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए काम कर यूज होते हैं। रेगुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉट,
ब्लड क्लॉटिंग को रेगुलेट किस तरह करेंगे, थ्रम्बोक्सिन A2 जो है वो ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, ठीक है, और ओवर क्लॉटिंग से बचाने के लिए जो प्रोस्टासाइक्लिन है PGI2 है वो उसको थ्रम्बोक्सिन A2 को एंटागोनाइज करेगा, उसको इनहिबिट करेगा। रेगुलेशन ऑफ रीनल फंक्शन, रीनल फंक्शन में क्या है कि ये रीनल ब्लड सप्लाई को भी कंट्रोल करते हैं, उसके अलावा सोडियम की जो रेगुलेशन है उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इकोसेनर्ज हैं, कंट्रोल ऑफ सेवरल रिप्रोडक्टिव फंक्शन सच एज इन इंडक्शन ऑफ लेबर, इंडक्शन हो यानी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से लेबर को इंड्यूस करवाने के लिए, ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जिस वक्त इंक्रीज होगी प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर टर्म के ऊपर, उस वक्त उसमें लेबर को इंड्यूस करवाने के लिए PGE2 का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। PGE2 इज यूज फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर, इज दैट क्लियर? यस सर। उसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिंस, मीडिएट्स इन्फ्लेमेशन, ये इन्फ्लेमेशन कॉज करवाते हैं, कॉजेज वैसोडाइलेशन, जिस वक्त वैसोडाइलेशन होगी तो वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से उस जगह पे रेडनेस आपको नजर आएगी क्योंकि उस जगह पे ज़्यादा ब्लड जा रहा है, ब्लड ज़्यादा होने की वजह से वो जगह रेड नजर आएगी। हीट, जिस जगह पे ब्लड ज़्यादा फ्लो हो रहा है, ठीक है, वहाँ ज़्यादा ब्लड फ्लो होने की वजह से वहाँ पे जो एरिया होगा वो वार्म होगा। PGE1, PGE2, PGD2 एंड PGI2, ठीक है, ये वाले प्रोस्टाग्लैंडिंस हैं जो कि वैसोडाइलेशन काज करवाते हैं। उसके बाद इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी, वेसल में से जो फ्लूइड है उसको बाहर ओज आउट कौन सी चीज़ करवाती है, परमिएबिलिटी को इज इंक्रीज कौन सा, कौन से प्रोस्टाग्लैंडिंस करवाते हैं। जिस वक्त परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से उस जगह पे स्वेलिंग नजर आएगी, ठीक है। तो इसमें जो प्रोस्टाग्लैंडिंस इन्वॉल्व होते हैं PGE2 है, PGD2 और PGI2। रेगुलेट पेन एंड फीवर, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन F2 स्टिमुलेट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये वाला जो है PGE2 यूजली ये यूज़ किया जाता है फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर। रेगुलेट ब्लड प्रेशर, वैसोडायलेटर्स प्रोस्टाग्लैंडिन PGE एंड PGI2 लोअर सिस्टेमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, कैसे करते हैं ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देंगे, जब डायलेट करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा, ठीक है। ये देखें कॉजेज वैसोडाइलेशन कौन कौन से हैं, PGE, ठीक है, उसमें PGE1 भी आ जाएगा, PGE2 भी आ जाएगा, उसके अलावा PGI2 स्पेशली, ठीक है, ये वाले जो तीन है ये स्पेशली काम करेंगे, PGE और PGI2। उसके बाद रेगुलेट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट की एग्रीगेशन को रेगुलेट कौन सा करता है, PGI2, प्रोस्टाग्लैंडिन I2, पोटेंट इनहिबिटर ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है, ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इनहिबिट करेगा, थ्रम्बोक्सिन A2 क्या करेगा, प्लेटलेट की एग्रीगेशन को स्टिमुलेट करेगा, PGI2 क्या करेगा, प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इनहिबिट करेगा, इज दैट क्लियर? यस सर। इफेक्ट्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिंस ऑन द किडनी, किडनी के ऊपर प्रोस्टाग्लैंडिंस के क्या इफेक्ट होते हैं, PGE2 इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, E2 क्या करेगा, सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा, जब रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट होगी इन द कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर तो सोडियम और वाटर जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर फ्लश आउट होगा, ठीक है, इन केस ऑफ वॉल्यूम ओवरलोड। PGI2 वैसोडाइलेशन यानी कि हाइपरटेंशन में भी ये हो सकता है, हाइपरटेंशन जब होगी तो PGE2 रिलीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर और सोडियम जिस्म से बाहर जाएगा, जो ब्लड का वॉल्यूम है जिस्म के अंदर वो कम होगा तो उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो कम होगा। PGI2 प्रोस्टासाइक्लिन I2 काजेज वैसोडाइलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये क्या करता है कि GFR को रेगुलराइज करता है, ठीक है, अगर तो किडनी की तरफ जो ब्लड फ्लो है वो कम हो रहा है तो PGI2 क्या करवाएगा, वैसोडाइलेशन करवाएगा, जब वैसोडाइलेशन होगी किडनी की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और GFR उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा, इज दैट क्लियर? यस सर। बायोलॉजिकल रोल ऑफ थ्रम्बोक्सिन्स, थ्रम्बोक्सिन का आगे क्या रोल है, थ्रम्बोक्सिन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लेटलेट्स एंड इन जनरल कॉज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन,
ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि थ्रम्बोक्सिन ए टू क्या कराएगा, एक तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, जिस एरिया में कोई इंजरी हुई वेस्कुलर इंजरी हुई है तो उस जगह पे एक तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन इसने करवा देनी है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा ताकि उस एरिया के ब्लड फ्लो कम हो सके। दूसरे नंबर पर क्या करेगा, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करके उनको आपस में एग्रीगेशन उनकी इंक्रीज करेगा स्पेशली, ठीक है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को स्टिमुलेट करेगा। बोथ थ्रम्बोक्सिन एंड प्रोस्टा ग्लैंडिन PGI2 रेगुलेट्स कोगुलेशन, यानी कि ये दोनों कोगुलेशन को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। थ्रम्बोक्सिन ने क्या करना है कि प्लेटलेट एग्रीगेशन और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवानी है। PGI2 प्रोस्टासाइक्लिन ने क्या करना है, इसने वेजो डायलेशन करवानी है और प्लेटलेट को इनहिबिट करना है, ठीक है, एक दूसरे को एंटागोनाइज करते हैं, तो इससे ये क्या करते हैं दोनों कोगुलेशन को रेगुलेट करते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। बायोलॉजिकल रोल ऑफ ल्यूकोट्राइन्स, ल्यूकोट्राइन्स आर प्रोड्यूस्ड मेनली इन ल्यूकोसाइट्स, WBCs में यूजली ये प्रोड्यूस होते हैं, दैट ऑल्सो एक्सप्रेस रिसेप्टर फॉर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, नहीं ल्यूकोट्राइन्स यानी कि जो WBCs हैं जिस जगह से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी आगे ल्यूकोट्राइन्स के लिए रिसेप्टर्स को एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि ल्यूकोट्राइन्स WBCs के ऊपर भी इफेक्ट करेंगे। दे इंक्रीज द वस्कुलर परमिएबिलिटी, ये क्या करेंगे कि वस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेंगे जिससे जो वेसल का फ्लूइड होगा वो बाहर आउट हो सकता है। ल्यूकोट्राइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ ब्रोंकियल एयरवे मसल, जो ल्यूकोट्राइन्स होते हैं वो ब्रोंकियल एयरवेज को कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाते हैं। जब ब्रोंकियल एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो उसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, ठीक है। अप टिल नाउ अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, आई विल एक्सप्लेन।